और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से निकलकर आ रही है, जहां एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की निगरानी में फर्जी वोट डालने वाले 4 लोगों को जश्न मनाते हुए लगभग 150 लोग थाने को घेर लेते हैं और उन्हें पुलिस की निगरानी से लेकर के चलते बने हैं। फिल्मी स्टाइल में घुसे सैकड़ों लोग और पुलिस की अभिरक्षा में 4 लोगों को छुड़ा कर ले गए। फिल्म में आपने देखा होगा किस कदर असामाजिक तत्व थाने में घुसते हैं और पुलिस की अभिरक्षा में गिरफ्तार हुए लोगों को लेकर के चलते बने हैं। यह दृश्य दरभंगा के जाले से निकल कर आया है। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और सामने आया है कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के दौरान दरभंगा जिला अंतर्गत जाले विधानसभा क्षेत्र में 20 मई को हुए मतदान के दिन 4 व्यक्तियों को फर्जी मतदान करने के आरोप में पुलिस निगरानी में रखा गया हुआ था। इसके बाद अचानक से करीबन रात के 1:30 बजे थाना पर करीबन 150 से 140 लोग करीबन पहुंचते हैं और असामाजिक तत्वों को द्वारा थाना में घुसकर थाने के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए चारों को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाकर ले गए हैं। वहीं इस असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा थाना में घुसकर खूब हुड़दंगी भी मचाते हुए नजर आ रहे हैं, जश्न मचाते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग इस मामले में बड़ी कार्रवाई दरभंगा पुलिस का हुआ है, जहां एक्शन लिया गया है पुलिस के द्वारा। 24 नामजद और 130 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। दिनांक 20/5/2024 को लोकसभा आम चुनाव 2024 के 5वें चरण के अवसर पर दिनांक 20/5/2024 को दरभंगा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र यानी 86 केवटी एवं 87 जाले 06 मधुबनी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि निर्धारित थी। उसी दिन वोटिंग हुई। वोटिंग के क्रम में 4 फर्जी लोग वोट डालते हुए धराए। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के तत्वाधान में एक SIT का गठन किया गया, जिसके द्वारा छापेमारी कर कार्यवाही की गई है। आगे देखिए दरभंगा के SSP जला रेड्डी ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। मतदान के दिन बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था और उनका पूछताछ थाना में किया जा रहा था थानाध्यक्ष के द्वारा। उसी क्रम में 130 और 140 के लगभग लोग आके भीड़ आके फिर जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। तो बाद में जो CCTV हमारे यहाँ थाना में है उसका चेक करके आइडेंटिफाइड करके टोटल 24 लोगों को आइडेंटिफाइड किया अभी तक और नामजद FIR किया गया, अन्य 130 अज्ञात के ऊपर FIR किया गया।